हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एच डी एफ सी लाइफ से रिलेटेड। एच डी एफ सी लाइफ के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। देखिए, हमारे क्यू फोर के रिजल्ट पढ़ने हमेशा ज़रूरत है। क्यू फोर के क्या, हर एक जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस एज वेल एज ईयरली बेसिस पे। अगर हम बात करें, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, चाहे हमारे अकाउंट में, हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर हो या ना हो, बट ये दिग्गज कंपनी है, इनके रिजल्ट पढ़ने से हमें एक अंदाजा आ जाता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का हाल क्या है, क्या हमें उसमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से हमें एक आइडिया मिल जाता है, तो उसके लिए हमें रिजल्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें एक आगे का गाइडेंस मिल जाती है। तो आइए, वीडियो में इसी चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले, एच डी एफ सी लाइफ से रिलेटेड बातें करने वाले। डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ओके, कुछ चीज़ों को पे कुछ इम्पैक्ट भी पड़ा है शायद, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आगे बढ़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज यहां पर देख लीजिए, कल एक वीडियो बनाई थी टाटा एलेक्सी का छोटा भाई, मतलब अमेजॉन एलेक्सा, आपने सुना ही होगा ये नाम। तो इससे इसे बनाने इन द सेंस, इसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन करने वाली जो कंपनी है उससे रिलेटेड ये शेयर है LTTS, उसी का वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। एज वेल एज और भी बहुत सारे मैंने आपको बनाया कि हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, इससे रिलेटेड वीडियो है, तो इसे जाके देख लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, कोई चार्जेस नहीं है। एक और लिंक है, यहाँ क्लिक करें, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहें आप दान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये रिजल्ट जैसे ही मार्केट खत्म हुई तुरंत ही रिजल्ट अनाउंस हो गए, 3:30 के आसपास ही रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो देखिए, मार्केट में अच्छा खासा जोश ऑलरेडी था क्योंकि रिजल्ट आने थे, तो लगभग 3% के आसपास की यहाँ पर जंप साफ देखी जा सकती है। और मैं पिछले तीन चार दिन से आपसे कह भी रहा हूँ, जब से ये 680 के लगभग ये शेयर चल रहा है, तब से ही बोल रहा हूँ कि इस शेयर को खरीदिए, यहाँ पर देख सकते हैं 680, ओके, यहाँ पर से ही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस शेयर को खरीदिए, ये शेयर आपके रिजल्ट आने वाले हैं, अच्छा खासा गेन देगा। लास्ट में मैंने ICICI Prudential का भी आपको बताया था कि ICICI Prudential के लाइफ के इंश्योरेंस के जो सेक्टर है उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है, तो इसलिए उसे देखते हुए इनका भी अच्छा आने की उम्मीद है। इसी को देख के हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो हम बात करें कि इसके रिजल्ट कैसे आए, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिविडेंड की बात कर लेते हैं कि डिविडेंड आपको मिलेगा कब। देखिए, फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2.02, मतलब ₹2.02 का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नजर आए हैं। और कब है इसकी रिकॉर्ड डेट है, इसकी रिकॉर्ड डेट है 1st of July। तो अगर बात करें लगभग 29th of May के लगभग यहाँ पर आपको ये शेयर लेना पड़ेगा, जो कि इसकी एक्स डेट होगी, ओके, एक्स डेट से एक दिन पहले लेना पड़ता है, रिकॉर्ड डेट 1st है, तो 29th को आई थिंक होगा, यहाँ पर 29th May को आपके अकाउंट में शेयर होगा, तो आपको ₹2 का यहाँ पर डिविडेंड मिलता हुआ नजर आ जाएगा। और फाइनल डिविडेंड है, तो इसे मिलने में हमेशा देर लगती है, तो एक सवा महीना तो कंपनी लेती है। तो यह तो होगी डिविडेंड की बात। और कब लेना है, ऑलरेडी आपको बता दिया, रिकॉर्ड डेट है 1st July, एक्स डेट एक दिन पहले होगी, और उससे पहले डेट होगी जो आपको अपने आपके अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। तो ये रिजल्ट की तरफ चल लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, ये लैक्सिन रुपीज़ का सारा मामला है, लैक्सिन रुपीज़ में जो भी यहाँ नंबर दे रखे हैं, ये लास्ट क्वार्टर के 31st March 2020 के रिजल्ट है, ये दिसंबर के 2020 के रिजल्ट है Q3 के, और ये Q4 के March 31st 2021, जो कि अभी रिसेंटली है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, तो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है कि अलग अलग कैसे कैसे। फर्स्ट ईयर प्रीमियम मतलब किसी ने न्यू इंश्योरेंस लिया होगा तो उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आया होगा तो किस तरीके से आया होगा, यहाँ देख सकते हैं 1,72,201 लास्ट Q4 का था, ये Q3 का, अभी के Q3 का 1,77,000, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप है। ईयरली बेसिस की बात करें तो 2,38,921, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस काफ़ी अच्छी जंप है, जो कि अच्छी बात है इंश्योरेंस सेक्टर में। आपको पता ही है कि FIIs पैसा अपना और ज़्यादा 74% तक यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें, मतलब जिसके जो
एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्होंने अपने रिन्यू कराया होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 5 लाख मतलब 552,617 के लगभग लैक्स इन रुपीज़ में यह नंबर है। तो यहाँ पर इतने लास्ट Q4 का रिजल्ट है। अगर Q3 की बात करें इस वाले ईयर की तो 4,57,698 लाख इन रुपीज़ में यहाँ पर रिन्यूअल फ़ी है, और अगर बात करें इस बार की तो 6,35,040। ओके, मतलब ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर अच्छा खासा जंप आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब नए पुराने लोग तो रिन्यू करा ही रहे हैं, नए लोग भी अपने प्रीमियम ले रहे हैं, और सिंगल प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज एनुअल बेसिस पर भी यहाँ पर जंप अच्छा खासा नजर आ रहा है, जो कि 4,17,058 लाख रुपीज़ का यहाँ पर आपको रिवेन्यू होता हुआ इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें इन सबको जोड़ के तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर था 10,46,446, Q3 की बात करें तो 9,48,701, और अभी की बात करें तो 12,86,801 लैक्स इन रुपीज़ के रिजल्ट है। और अदर और भी चीज़ें यहाँ पर जोड़े तो देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q4 में तो नेगेटिव रिजल्ट था, वो भी 10 लाख का। ओके, अगर बात करें Q3 की तो 11,59,424 यहाँ पर अभी Q3 का है, और अभी की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है कम होती हुई नज़र आई है, बट सब अच्छी बात है, फिर भी ठीक ठाक है। 6,01,542 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट से इनकम होती हुई इनकी नज़र आई है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम कोई मायने नहीं रखती, बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर 6,661 यहाँ पर आपको नज़र आ रही है अदर इनकम, और यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स और ये सब चीज़ मिला के यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर टोटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट जो Q4 की बात करें तो 41,864 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़ था। इसके बाद यहाँ अभी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,12,680 लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है Q3 की, और अभी की बात करें तो 19,19,132 लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर इनकम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो जंप है ही है। ओके, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी बहुत गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ईयरली बेसिस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिखाया है। ओके, और यहाँ पर Q3 में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है इनकम। बट अगर हम नेट यहाँ पर बात करते हैं और भी सारी चीज़ों की एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो एक्सपेंसेस यहाँ पर है टोटल यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट Q4 की बात करें तो 28,259 ओके यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर एक्सपेंस था। अगर बात करें यहाँ पर अभी लास्ट Q4 की तो 20,85,260 लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नज़र आया, और अगर यहाँ पर अभी की बात करें तो फिर यहाँ भी 18,75,733 क्वार्टरली बेसिस पे तो कम है, बट ईयरली बेसिस पे मैसिव एक्सपेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैसिव एक्सपेंस कहाँ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनिंग भी आई थिंक यहाँ पर कर रखी है, यहाँ पर देखिए प्रोविजन ज़्यादा कर रखा है, यहाँ पर बेनिफिट पेड भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। ओके, जो कि क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप नज़र आ रही है, तो ये सारी की सारी यहाँ पर प्रोविजन से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम बात करते हैं तो Q4 में आप देख सकते हैं 28,447 लाख था। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें और अगर बात करते हैं लास्ट Q3 की तो 26,700, और जो कि ईयरली बेसिस अगर इसमें कंपेयर करते तो कम है, बट यहाँ पर अगर अभी बात करते 30,908 ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर जंप नज़र आ रही है, तो कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट। ओके, अगर बात करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह सबको अगर एक्सक्लूड कर दे सब कुछ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर लास्ट ईयर की बात करें तो Q4 में 31,171 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। अगर बात करें Q3 की तो 26,499 का प्रॉफिट था, और अगर अब की बात करें 31,794 ईयरली बेसिस पे जंप है। ओके, लगभग 600 लैक्स इन रुपीज़ की अगर बात करें यहाँ पर ई क्वार्टरली बेसिस, वो भी अच्छा खासा जंप हमें नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। ओके, कंपनी ने लगभग
10% का यहाँ पर प्रॉफिट में जंप हमें नज़र आई है, जो कि अगर बात करें यहाँ पर और भी आप चीज़ें देखना चाहते हो तो नीचे जाके और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, ओके इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। बट ICICI की बात करें तो ICICI ने इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और लेटर यहाँ पर इशू किया है, यहाँ पर SEBI को दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्लीज़ फाइंड इंक्लोज हेयर वाई नोट दैट द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 पैंडमिक ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑफ द फाइनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020। मतलब 2021 में यहाँ पर इनके बिजनेस पे पूरा अच्छा खासा COVID-19 का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। इस वजह से यहाँ पर इनके रेवेन्यू और एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर इनके प्रॉफिट में कम होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक लेटर और इसके लिए इशू किया था। अब और कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए 52 वीक लो की बात करें तो 451 का ये शेयर था, 52 वीक हाई की बात करें तो 746 10th मार्च को था, और जो कि मुझे लगता है कि इस रेंज में बहुत जल्दी आ जाएगा। एज वेल एज बात करें तो यहाँ पर 34% की यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में भी उठाती हुई मिली है, ओके डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती आई है। यहाँ पर और भी कुछ बात करें तो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में अभी तक देखा जाए तो 1,38,707 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप नज़र आ रहा है। ROCE 21% की है, PE ज़्यादा है और डेट थोड़ा सा डेट है कंपनी के पास लगभग 8% का। प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है, और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की पता है क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 1044 है और अभी कितना 700 रुपये पे शेयर चल रहा है, मतलब साढ़े तीन सौ रुपये का अपसाइड मूव्स कभी भी दे सकता है ये कंपनी। और बात करें HDFC लाइफ है, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही है, और कोई कंपनी अच्छी खासी हो अच्छा खासा दिखा रही हो कंसिस्टेंसी तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, और इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही हो तब तो डेफिनेटली करना चाहिए। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे एक बार प्रॉफिट यहाँ देख लेते हैं तो देखिए मार्च 2011 में ओके सेल्स थी 11,068, और अगर अभी की बात करते हैं तो देखिए अभी रिजल्ट ये कल की डेट में या परसों की डेट में अपडेट हो जाएगा, तब यहाँ पर और देखेंगे कभी और वीडियो बनाएंगे। तो देखिए फिर भी अगर 12 महीने की बात करें तो बाम है, मतलब 5 गुना यहाँ पर हो चुका है सेल्स। प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पर -99 का प्रॉफिट था 10 साल पहले, आज की डेट में 1300 से 1400 करोड़ रुपये का प्रॉफिट में चेंज हो गया, जो सबसे ज़्यादा है हर क्वार्टर में हर ईयर में। अगर बात करें बैलेंस शीट तो देखिए डेट थोड़ा बहुत ही है इनके पास 600 करोड़ रुपये का, ओके अभी एक बार अपडेट हो जाएगा तो और पता चल जाएगी। रिजर्व्स अच्छे खासे है, 5,799 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ओके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,50,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, ओके इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर इनकम देखिए बढ़िया अच्छी खासी अलग से इनकम होती हुई नज़र आई थी, जो कि 6 लाख समथिंग थी। यहाँ पर देख रहे हो ना अदर इनकम, यहाँ देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख रुपए के आसपास, और लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में तो 11 लाख के लगभग 11,60,000 के लगभग यहाँ पर लैक्स इन रुपीस में अदर इनकम आती हुई दिखाई दी थी। तो इसी की वजह से ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसी वजह से। कैश की बात करें तो कैश अच्छा खासा है यहाँ पर, ओके और यहाँ पर आप देखिए 322 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी है। और अब बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग तो 59% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIIs की बात करें देखिए यहाँ पर हिस्सा बढ़ाता हुआ नज़र आए हैं FIIs, और कितना 74% तक बढ़ा सकते हैं वो अगर चाहेंगे तो। और यहाँ पर DIIs देखिए थोड़ी सी कम करी है, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर हिस्सेदारी 9% की है, केवल पब्लिक का 9% की, बाकी सारी हिस्सेदारी इन्हीं कंपनी के पास है। तो इसलिए इस कंपनी को अपनी रडार पे रखना, एज वेल एज बात करें ICICI प्रूडेंशियल उसे भी रडार पे रखना, वो भी अच्छा खासा रिजल्ट। तो अगर बात करें यहाँ पर कितना अपसाइड है, देखिए 744 तक तो जाता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है, ये शेयर कभी भी यहाँ पर 74 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें ICICI प्रू की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए ICICI प्रू के रिजल्ट आए थे, उससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया था और बताया था ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, आपने खरीदा होगा। तो देखिए हर 3 दिन से 4 दिन से देखिए यहाँ पर दिख रहा है कितना वॉल्यूम आपके साथ ये कंपनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ओके अपने मतलब ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई पे ICICI प्रूडेंशियल चल रहा है। तो जब ये चल सकता है तो ये इसका मार्केट कैपिटल तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, ओके तो इस बात पे भी ध्यान रखिए। बट ICICI में कुछ और अलग फैक्टर भी है जो मैंने इस वीडियो में बताई है, उसका लिंक मिलेगा तो आई बटन पे दे दूंगा, जिस वजह से
ICICI के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे और ICICI काफ़ी बेहतरीन कंपनी भी नज़र आती है। बट और इसकी ICICI की तो इतनी मार्केट वैल्यू भी, मार्केट कैपिटल भी नहीं है जितनी इसकी मार्केट कैपिटल है। बट रिजल्ट के मामले में ओके, इनकी रेवेन्यू के मामले में ICICI ज़्यादा है, बट स्टिल इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है, इस बात को भूलना मत। इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, नंबर वन है, जब आगे बढ़ेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारा चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।